फ्रेंड्स, मैं हूँ आयुषी और आज मैं आपको बताने वाली हूँ इजी आकाश कैंडल कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए ज्यादा सामान नहीं लगने वाला है। इसके लिए हमें एक सैटिन रिबन, कुछ डेकोरेटिव पर्ल्स, एक पुराना वाला मेरे पास एक चार्ट पेपर था उसको मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है, एक सीजर, पेंसिल, स्केल, ग्लू, और आप कोई भी कलर का चार्ट पेपर ले सकते हैं। इसलिए मैंने एक पिंक कलर का चार्ट पेपर लिया है और मेरे पास एक इलेक्ट्रिक होल्डर है और जिसमें मैंने उसमें लाइट लगा दिया है। तो इससे अब हम आज इजी आकाश कैंडल बनाने वाले हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी, मैंने ये चार्ट पेपर था उसको मैंने प्रॉपरली काट दिया है। अभी मैं इसको फोल्ड करके इसके ऊपर कुछ मार्किंग्स करूंगी। जैसे कि हमें मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है और अभी हमें 5-6 सेंटीमीटर की यहाँ पे जगह छोड़ दी है और फिर यहाँ से मार्किंग स्टार्ट करना है। तो यहाँ इतनी जगह मैंने छोड़ दी है, दोनों साइड से हमें उतनी ही जगह छोड़ देनी है। और फिर अभी क्या करना है, मैंने एक स्केल ली है और अभी मैं इसको सेंटीमीटर वाइज इसको मार्क करने वाली हूँ। तो मैंने ये सेंटीमीटर वाइज मार्क कर दिया है, देख सकते हो मैंने यहाँ पे पूरे लाइंस मार्क कर दिए हैं। और अभी जितना मैंने मार्क किया है अभी हमें उतना ही सीजर से काट देना है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जितना हमने ऊपर भी लाइन खींची है बस उतना ही इक्वली हमें कट करना है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे इतनी जगह इसलिए छोड़ी है क्योंकि हम ग्लू से इसे ऐसे स्टिक करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो मैंने इसे प्रॉपरली, देख सकते हो आप कि मैंने इसे काट दिया है। और अभी मैं इसको इस तरह से ओपन करके हम इसे फोल्ड करके चिपकाएंगे। हमें इसे ऐसे चिपकाना है, ऐसे ग्लू की मदद से हमें चिपकाना है। और आप देख सकते हो मैंने इसे चिपका दिया है। वाह, ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और अभी हम डेकोरेशन करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो अभी मैं आपको बताती हूँ डेकोरेशन कैसे करना है। तो अभी मैंने एक यहाँ पे पेपर लिया है जिसके ऊपर मैं पेंसिल से फ्लावर बना रही हूँ। आप को कुछ भी बना सकते हो, बटरफ्लाई वगैरह। और अभी मैं ये देखो मैंने इसके ऊपर फ्लावर ड्रॉ कर दिया है और अभी मैं इसको कट करने वाली हूँ। मैंने वो फ्लावर काट दिया और वैसे मेरे पास ऐसे मैंने बहुत सारे काट के रखे हैं। और अभी जो है मैंने ये एक फ्लावर लिया और ये जो हमने लिया था डेकोरेशन के लिए उसमें से मैं एक पीस निकाल के इसमें इनके सेंटर में लगाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। और ऐसे मैं सारे इसको लगाने के बाद इसको ऐसे इस तरह से चिपकाने वाली हूँ। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे ग्लू लिया है, मैं इसमें थोड़ा सा ग्लू लगाऊंगी और अभी इसको ऐसे। ये देखो एक ही फ्लावर से इसको लुक भी बहुत सुंदर है और इतने सारे फ्लावर से तो ये एकदम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो मैं आपको इसे बना के दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। और मैंने इसमें होल करके ये सैटिन रिबन से इसे बांध दिया है। और अभी हमारे पास जो लाइट था वो हम इसके ऊपर डालेंगे। तो हम बच्चे हैं तो हमें नहीं डाला है, हमें इसके लिए पेरेंट्स की मदद लेनी है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक हो है तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें पेरेंट्स की मदद लेनी है। और मैं अपने पेरेंट्स की मदद से इसे लगाने वाली हूँ। देखते हो आप ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है और लाइट लगाने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। देखो ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, इससे तो मतलब पूरे घर में रौनक आ जाएगी। आई होप कि आप लोगों को मैंने बनाया हुआ आकाश कैंडल बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। थैंक यू।